Morning students, my name is Sidratul Muntaha. I'm your class teacher and I will teach you English. Today's chapter is why evergreen trees never lose their leaves. मतलब evergreen trees मतलब जो हमेशा हर time हरी रहती हैं, जिन पर leaves लगी रहती हैं. Never lose their leaves, जो कभी अपनी मतलब जिनके पत्ते कभी नहीं झड़ते हैं. तो in this chapter we will study how trees help one little broken bird. Story starts with winter was coming and all the birds were flying to a warmer place. Winters was coming मतलब सर्दी आ रही थी, और सर्दी से बचने के लिए जैसे पहले हम अगर बाहर सोते हैं तो अंदर कमरे में सोना स्टार्ट कर देते हैं, वैसे ही सारी बर्ड्स एक गर्म जगह पर जा रही थी जहाँ पर उनको वो अपने आप को ठंड से बचा सकें. Hurry up, winter is almost here. We have got a long way to go. एक बर्ड अपनी साथ की बर्ड से कहती है कि हरी अप, जल्दी करो, विंटर इज़ ऑलमोस्ट हेयर मतलब सर्दी लगभग आ ही गई है, हमें यहाँ से बहुत दूर जाना है. तो दो छोटी बर्ड्स होती हैं, दे से वी आर ऑलरेडी लेट्स गो साउथ, हम बहुत दूर तो आ ही चुके हैं, अब हमें साउथ में जाना है. अनदर बर्ड सेज इज एवरी वन रेडी लेट्स गो, सब क्या सब तैयार है. इज़ एवरी वन रेडी मतलब क्या सब तैयार हैं, लेट्स गो चलो चलते हैं. एक बर्ड अपने साथ की बर्ड से कहती है कि विंटर्स आ रहे हैं, जल्दी करो, हमें बहुत दूर जाना है ताकि हम अपने आप को सर्दी से बचा सकें. तो एक बर्ड उनमें से कहती है कि हम बहुत दूर तो आ ही चुके हैं, अब हमें साउथ में जाना है. तो दूसरी वाली तीसरी बर्ड जो होती है वो कहती है कि हम सब तैयार हैं क्या, अगर हम सब तैयार हैं तो हम चलते हैं. नेक्स्ट, वन लिटिल बर्ड हैड ब्रोकन हिज विंग एंड कुड नॉट कीप अप विथ अदर्स, ही ले अलोन इन अ कोल्ड फॉरेस्ट. एक बर्ड जो थी वो उस गिर गई नीचे और उसका एक विंग जो था, उसका पर जो था वो टूट गया और वो बाकी बर्ड्स के साथ नहीं जा सकी और वो कोल्ड विंटर्स की वजह से फॉरेस्ट में ही रह गई. ओह नो, दे हैव लेफ्ट मी बिहाइंड, वॉट शेल आई डू, मे बी आई कैन आस्क द ट्रीज ऑफ दीट फॉरेस्ट टू हेल्प मी. उसने कहा कि ये क्या हुआ, इन लोगों ने तो मुझे अकेला छोड़ दिया, अब मैं क्या करूं? मुझे लगता है कि अब मुझे ट्रीस यानी कि जो जंगल में पेड़ हैं उनसे ही मदद लेनी होगी, उनके पास ही रहना होगा. द लिटिल बर्ड डिसाइडेड टू अप्रोच द बर्च ट्री. जो छोटी बर्ड थी जिसका विंग टूट गया था, उसने डिसाइड किया कि वो बर्च ट्री के पास जाएगी. बर्च ट्री क्या होती है, एक पेड़ होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसकी स्टेम्स होती है, जिसको हिंदी में हम संटी कहते हैं. ब्यूटिफुल बर्च ट्री, माई विंग इज़ ब्रोकन एंड माई फैमिली हैज़ फ्लोन अवे, मे आई लिव अमंग योर ब्रांचेस टिल दे कम बैक फॉर मी. उसने कहा ब्यूटिफुल बर्च ट्री मतलब अगर हम किसी से कोई हेल्प लेते हैं तो हम उसकी थोड़ी सी तारीफ करते हैं, कि उसने कहा कि मेरा एक विंग टूट गया है, मेरा एक पर टूट गया है और मेरी फैमिली दूर चली उड़ गई है, और मुझे लगता है कि मैं क्या आपके साथ रह सकती हूँ जब तक मेरी फैमिली नहीं आएगी. छोटी बर्ड ने जिसका विंग टूट गया था उसने बर्च ट्री से हेल्प मांगी कि मेरी फैमिली जो है वो मुझे छोड़कर चली गई है क्योंकि मेरा पर टूट गया था जिसकी वजह से मैं अकेली हूँ, क्या मैं आपके पास रह सकती हूँ जब तक मेरी फैमिली नहीं आती. अब बर्च ट्री ने क्या कहा, वी आर ऑफ द ग्रेट फॉरेस्ट, हैव आर ओन बर्ड्स टू हेल्प, आई कॉन्ट डू एनी थिंग फॉर यू. उसने कहा कि हम इतने बड़े फॉरेस्ट में हैं, इतने बड़े फॉरेस्ट में हम एक पेड़ हैं, हमारे फॉरेस्ट के भी तो बर्ड्स हैं, हमें उनकी हेल्प करना है, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती. द लिटिल बर्ड वॉज अपसेट, जो हमारी छोटी बर्ड थी जिसका विंग टूटा हुआ था वो अपसेट हो गई, एकदम से दुखी हो गई कि अब मैं क्या करूँगी, अब तो इन्होंने भी मुझे मना कर दिया. Perhaps the birch isn't strong enough. I'll ask the oak, he'll be stronger. Perhaps the birch isn't strong enough. I'll ask the oak, he'll be stronger. उसने कहा कि मुझे लगता है कि birch यानी जिस संटी वाला पेड़ था वो ज़्यादा strong नहीं था, मतलब strong नहीं था, जिसकी वजह से उसने मुझे help करने से मना कर दिया. मुझे लगता है मुझे oak से मदद लेनी पड़ेगी. He'll be stronger. Oak tree जो होगी वो strong होगी. मुझे oak tree से help चाहिए. He then spoke to the oak tree. Oh great oak tree, you are so strong.
विल यू लेट मी लिव ऑन योर ब्रांचेस टिल माई फैमिली कम्स बैक इन स्प्रिंग। उसने कहा ओक ट्री से, आप तो बहुत स्ट्रांग लगते हैं, क्या आप मुझे अपनी ब्रांच पे एक शाखा पे रहने देंगे जब तक मेरी फैमिली नहीं आ जाती स्प्रिंग में? स्प्रिंग कब आते हैं हमारे? मार्च में। मार्च से हमारे स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है। तो उसने कहा क्या आप मुझे मार्च तक अपने एक पेड़ की ब्रांच पर रहने देंगी? द लिटिल बर्ड वॉज पजल्ड व्हाट शुड ही डू नाउ। ही देन वेंट टू द विलो ट्री हु ड्रिव हरसेल्फ अप प्राउडली टू फेस द बर्ड। इसके बाद वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गई कि मुझे क्या करना चाहिए, अब मैं क्या करूँ। वो विलो ट्री के पास गई, एक विलो ट्री था वहाँ पर, उसने अपने आप को बहुत प्राउडली खड़ा रखा ताकि वो बर्ड को फेस कर सके। अब बर्ड इनके पास आई, बर्ड ने क्या कहा, जेंटल विलो माय विंग इज़ ब्रोकन एंड आई कुडंट फ्लाई साउथ विद माय फैमिली। ने कहा आप बहुत जेंटल हैं, जेंटल मतलब जो बहुत ज़्यादा नर्म होता है, जो सबकी हेल्प कर देता है। मेरा विंग टूट गया है, मेरा पंख टूट गया है और मैं साउथ में नहीं जा सकती अपनी फैमिली के साथ। मे आई लिव इन योर ब्रांचेस टू कीप वार्म फ्रॉम द नॉर्थ विंड। नॉर्थ विंड से बचने के लिए क्या मैं आपके एक ब्रांच पे रह सकती हूँ? डू आई नो यू? वी विलोस नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर्स, लीव मी अलोन। उसने बहुत ही एटीट्यूड में बोला क्या मैं आपको जानती हूँ? डू आई नो यू? क्या मैं आपको जानती हूँ? मैं कभी विलो जो हूँ, मतलब हम विलो ट्रीज जो हैं, वो कभी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करते हैं। आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। द बर्ड वॉज ट्रूली हार्ट ब्रोकन। बर्ड का जो था दिल टूट गया, हार्ट ब्रोकन मतलब दिल टूट गया। कोल्ड एंड लोनली ही बिगेन टू फ्लाई अवे एज फास्ट एज कुड। बर्ड बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। जब हमारा कोई काम नहीं होता है तो हम बहुत दुखी हो जाते। ऐसी उसको रहने के लिए जगह नहीं मिल रही थी और सर्दी बहुत बढ़ गई थी, तो वो बहुत ही अकेली और सर्दी में थी, तो वो बहुत तेज़ उड़ने लगी और उड़ उड़ के इतनी दूर चली गई जहाँ तक वो जा सकती थी। उसने कहा नो वन वॉन्ट्स मी, माई विंग इज़ ब्रोकन एंड आई हैव नो वेयर टू गो। उसने कहा कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा, किसी को मैं नहीं चाहती हूँ, अब मेरा पंख टूटा हुआ है जिसकी वजह से मैं कहीं जा भी नहीं सकती। द लिटिल बर्ड लुक्ड अराउंड, इट वॉज अ स्प्रूस ट्री टॉकिंग। लिटिल बर्ड जो थी उसने अपने आसपास देखा, एक स्प्रूस ट्री था, स्प्रूस ट्री ने आपस में वो बातें कर रहे थे, तो वो आई स्प्रूस ट्री के पास। आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग, द ट्रीज हैव टर्न मी अवे एंड आई एम कोल्ड एंड हंग्री। उसने कहा स्प्रूस ट्री से, आकर स्प्रूस ट्री से कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ, सारे ट्रीज ने मुझे भगा दिया है और मैं कोल्ड एंड हंग्री हूँ काफ़ी। हैव दे, वेल यू कैन लिव ऑन माई वार्म ब्रांचेस ऑल विंटर इफ़ यू वॉन्ट टू। उसने कहा कि सच में उन्होंने आपको भगा दिया है क्या? सच में सारी ट्रीज ने आपको मना कर दिया कि यहाँ मत आइए? ठीक है, आप मेरी ब्रांचेस पे जब तक चाहो रह सकती हो, पूरी सर्दी चाहो तो रह सकती हो। उसने इसकी हेल्प की। अब द लिटिल बर्ड वॉज रिलीव्ड। रिलीव मतलब हमारी परेशानी जब दूर हो जाती है, हमें अच्छा सा लगता है वो। द पाइन एंड द जूनिपर ट्रीज जॉइंड द स्प्रूस ट्री टू हेल्प द लिटिल बर्ड। पाइन ट्री उसके बराबर में खड़ी थी, जूनिपर ट्री उसके बराबर में खड़ी थी, उन दोनों ने जॉइन किया स्प्रूस ट्री को हेल्प करने के लिए लिटिल बर्ड की। लिटिल बर्ड जो इसका विंग टूटा हुआ था उसकी हेल्प की और उसको पेड़ की ब्रांच तक चढ़ा दिया। माई ब्रांचेज आर नॉट वेरी थिक बट आई एम बिग एंड स्ट्रॉन्ग एंड आई कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम नॉर्थ विंड। स्प्रूस ट्री ने कहा कि मेरी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा चौड़ी चौड़ी या मोटी मोटी नहीं है, बट मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ और बहुत बड़ा भी हूँ, जिसकी वजह से मैं आपको नॉर्थ विंड से बचा सकता हूँ। बर्ड सेड थैंक यू डियर फ्रेंड्स। थैंक यू कहा उसने, जब हमारी कोई हेल्प करता है तो हम उसके बाद थैंक यू तो कहते हैं। फिर पाइन ट्री ने कहा आई कैन हेल्प टू, मैं भी तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। यू कैन ईट माई डिलीशियस हेल्दी बेरीज ऑल विंटर लॉन्ग। उसने कहा कि पूरी सर्दी तक तुम मेरी हेल्दी बेरीज खा सकती हो। द अदर ट्रीज लुकड ऑन एंड टॉक्ड अमंग देमसेल्व्स। और जो जब उन्होंने मदद नहीं की थी ना पुराने ट्रीज ने, तो वो उसकी तरफ देखती हैं और अपने आप में बात करती हैं। आई वुडेंट गिव माई अकाउंट्स अवे टू एनी वन। अकाउंट्स क्या होते हैं?
आई वुडेंट गिव माई अकाउंट्स अवे टू एनी वन, मतलब फ्रूट्स, मैं अपने फ्रूट्स किसी को नहीं दे सकती हूँ. फिर दूसरी ट्रिक आती है, आई नेवर हैव एनी थिंग टू डू विद स्ट्रेंजर्स. कहा कि मैं तो स्ट्रेंजर्स की तरफ देखती भी नहीं हूँ, मुझे तो कुछ स्ट्रेंजर्स से कोई मतलब ही नहीं है. थर्ड ट्रिक आती है, आई वुड नॉट हैव एनी स्ट्रेंज वर्ड ऑन माई बो. बो मतलब उसकी एक शाखा, मैं अपनी शाखा पे किसी भी स्ट्रेंज वर्ड को नहीं रख सकती. नाउ नॉर्थ विंड वॉन्ट टू टच द ट्रीज इन द फॉरेस्ट विथ हिज कोल्ड हैंड, बट फ्रॉस्ट किंग हैड अदर प्लान्स. नॉर्थ विंड जो थी वो ट्रीज को टच करना चाहती थी, मतलब बहुत तेज हवा चलने वाली थी फॉरेस्ट में, लेकिन फ्रॉस्ट किंग जो था, वहाँ का राजा जो था, उसका कोई अदर प्लान था. इट्स टाइम फॉर यू टू गो टू वर्क माई सन, उसने कहा हवा से, अब तुम्हारा वक्त है कि तुम अपने काम पर चले जाओ. तो हवा कहती है, मे आई टच एवरी लीफ इन द फॉरेस्ट, क्या मुझे हर पत्ती को छूना है फॉरेस्ट की. नो द ट्रीज दैट हैव बीन काइंड टू द लिटिल बर्ड विद द ब्रोकन विंग मे कीप देयर लीव्स. उसने कहा, नहीं, जिसने लिटिल बर्ड के यानी टूटे हुए पंख वाली बर्ड की हेल्प की थी, उनकी एक भी पत्ती को नहीं गिराना है. नेक्स्टली, इन द मॉर्निंग द बर्ड्स द ओक एंड द विलो फाउंड देयर शाइनिंग ग्रीन लीव्स लाइंग ऑन द ग्राउंड. सुबह जब हुई तो उन्होंने देखा बर्च ट्री, ओक ट्री एंड द विलो ट्री, ये जो तीनों ने मना कर दिया था हेल्प के लिए, उन्होंने देखा कि उनकी शाइनिंग, मतलब शाइनिंग करती हुई नई नई सी पत्तियाँ, हरी पत्तियाँ ज़मीन पर पड़ी हुई हैं. फॉर नॉर्थ विंड हैड कम एट नाइट एंड टच दम विथ हिज आईसी हैंड्स. क्यों गिर गई थी, क्योंकि नॉर्थ विंड रात में बहुत ज़्यादा तेज़ चली थी और उनकी वजह से सारी पत्तियाँ हवा से गिर गई थी नीचे. द स्प्रूस द पाइन एंड द जूनिपर वर लेफ्ट ग्रीन ड्यू टू देयर काइंडनेस टूवर्ड्स द हेल्पलेस लिटिल बर्ड. अब स्प्रूस, पाइन और जूनिपर ने हेल्प की थी बर्ड की, इसकी वजह से इनकी जो पत्तियाँ थीं वो अभी भी पेड़ पर थीं, और इनकी वजह से लिटिल बर्ड को शेल्टर मिला था, जिस वजह से गॉड ने इनकी हेल्प की थी. द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज गॉड हेल्प दोज हु हेल्प अदर्स. मतलब हमें अपनी लाइफ में किसी को, हर किसी की हेल्प करनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई हमारे लिए, हमारे पास हेल्प सी करना है और हम उसे मना कर दें, भगा दें.